ओह दद्दा, अरे बाबू, अरे बब्बर रे। ये देखो नीचे जस्ट है कैनाल, ये देखो भाई नीचे है कैनाल और अपन यहाँ से जाएंगे। हे तो गाइस गुड मॉर्निंग, एंड आज का जो दिन रहेगा पूरा ही रहेगा ऑफ रोडिंग, वो भी हीरो इलेक्ट्रो के ऊपर। और हीरो इलेक्ट्रो साइकिल अपने पास रखी हुई है, उसको इससे पहले वाला जो वीडियो है आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं, क्योंकि अपन ने हीरो इलेक्ट्रो की जगह अपन JVP का ब्लॉग लिखवा चुके हैं। तो फिलहाल आज हम लोग जाने वाले ऑफ रोडिंग में, और जो घर के पास में ही पीछे साइड मतलब समथिंग 5 से 6 किलोमीटर दूर है केनार है, जो कि नर्मदा नदी से आती है। तो हम लोग वहाँ जाने वाले हैं, ऑफ रोडिंग देखने मिलने वाली है इस ब्लॉग में आपको। तो गाइज वेलकम बैक संस्कार धानी छोरे के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है JVP स्काई ब्लॉग। तो गाइज यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। लाइक करने में कुछ नहीं आता, बस अपन को एक लाइक में प्रेस करना है, बाकी सब तो बढ़िया है, चंगा है, बस आप मजे लो किसके, बाइक साइकिल के। तो मिलते हैं आपको बाइक साइकिल में। अभी अपन बस तैयार हो चुके हैं और जस्ट गाड़ी के ऊपर देख सकते हैं अपन, वहाँ पे लगा है अपना हेलमेट और यहाँ पे लगा लिया अपने चेस्ट गार्ड में अपन भाई साहब। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको सिनेमेटिक देखने मिलेगा। और ये है अपने साथ जा रहा है रोहन, एंड भाई साहब अपनी साइकिल हो गई है तैयार। एंड ये देखो भाई JVP स्काई ब्लॉग। श्री सॉरी जय श्री बाय बाय बेबी, चलें हैं, चलो। तो भाई साहब अपन निकल चुके हैं यहाँ से और थोड़ा सा अपन ऑयलिंग करवा लेते हैं। चाचा ऑयल डाल देना साइकिल में, ख़त्म हो गया। ओके चलें, ऑयल तो नहीं है। तो भाई साहब अपने यहाँ से अपने मोहल्ले से निकल गए और निकल रहे ये भाई, ये हो गई अपनी जर्नी स्टार्ट ऑफ रोडिंग के लिए। तो सीधा आपको मैं मिलता हूँ इस रांझी क्षेत्र के बाहर। तो गाइस अभी हैं हम मोहनिया वाले ये ग्राउंड में, एंड दो दिन पहले यार मॉर्निंग में 7 बजे भी ये जो आपको ये जो टंकी दिख रही ना, टंकी तक नहीं दिख रही थी इतनी ज़्यादा यहाँ पर पूरा ही पूरा कोहरा था। एंड ये है मोहनिया का ग्राउंड, एंड इसके बाद हमें नीचे उतरना पड़ेगा। ये भाई साहब अब धीरे धीरे ऑफ रोडिंग आना चालू हो चुकी है, और यहाँ पर तो भाई मतलब ये माना कि चलो कि थोड़ा सा आगे जाकर पूरा ही कच्चा कच्चा रास्ता है, साइकिल में तो हैं तो फिलहाल अभी मज़ा आ रहा है क्योंकि हम पूरा टारगेट करके आए हैं पूरा ऑफ रोडिंग के लिए। ओ भाई ये है छोड़ू। ओ भाई क्या ढलान ढलान ढलान, गाड़ी में इतना नहीं लगता है जितना साइकिल में लग रहा है। ओ भाई 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 देखो गाइस देखो, हो 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 हो। यदि आपने यहाँ का एक वीडियो मैंने वायरल किया था एंड बहुत से लोगों को पसंद आया था, तो यहाँ पे हम लोग गणेश विसर्जन करने आए थे। क्या रोहन, तो हम लोग यहाँ पे गणेश विसर्जन करने आए थे, तो यहाँ पर गणेश जी रखे थे, दैन इसके बाद हम लोग यहाँ पर विसर्जन करने चले गए थे। एंड यहाँ पर काफ़ी हद तक भारी मात्रा में यहाँ पर पानी था क्योंकि उस टाइम बरसात थी। दैन हालांकि अभी पानी स्वच्छ है और पी नहीं सकते हैं, एंड यहाँ पर भी अच्छा खासा पानी है। तो यहाँ से आपको मैं और भी ड्रोन्स फुटेज बाद में दिखाऊँगा जब हम जाएँगे, एक और वीडियो बनाएंगे। तो गाइस चलते हैं आगे, थोड़ी और आगे ढलान, यहाँ से ढलान यहाँ से चढ़ान।
गाइस अभी यह निपनी है ना ये झुझरू, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर सोचे कि क्यों ना ज़्यादा समय पहले हम लोग चिप्स ले लें। तो हम लोग भाई के पास चिप्स लेने आए हुए हैं। तो भाई यहाँ पर देखो चिप्स का तो भंडार है, बिल्कुल दीवार बना के रखे भाई ने पूरे यहाँ पास चिप्सों की चिप्स। तो फिलहाल हम लोगों को ये वाले चिप्स दे दो, चार दे दो एंड और कुरकुरे दे देना तीखे वाले, ये वाले हाँ दो दे देना। तो भाई साहब ये चिपका दिया हमने JBP स्काई ब्लॉग। ओके भैया मिलते हैं। हो बेटा कैसे हो, बढ़िया। तो फाइनली ब्रो अपन पहुंच गए हैं, ये ऑफ रोडिंग तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग है एंड इतनी धूल रहती है इसमें, इतनी ज़्यादा धूल रह सकती है। आपको दिखाता हूँ, वो सामने देखो ये गाड़ी आ रही है और भाई साहब कसम से क्या धूल उड़ाता हो आ रहा है। यदि पीछे पीछे आएंगे ना और पाउडर लग जाएगा तरीके वाला। तो लेट्स गो ब्रो। तो ये तो गाइस देखो ये है किनाल एंड ये आई पूरी बरगी डैम से एंड ये है नर्मदा जी का पानी है एंड ये बहुत ही ज़्यादा गहरी, आपको देखने में लग रहा होगा नॉर्मल है एंड यहाँ पर गहरी इसलिए हो जाती है क्योंकि ये है पूरा पहाड़ी क्षेत्र एंड पहाड़ी में लेवल मिलाया गया है इसलिए यहाँ पर गहरी। और आगे जाएंगे तो इतनी ज़्यादा गहरी नहीं है जितनी गहरी यहाँ पर है और काफ़ी डीप है भाई, बहुत ज़्यादा। तो और आगे निकलते हैं। जो हम लोग का जो आज डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन एक प्रकार से यहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर दूर है एंड ऐसे ही हम लोग को पूरा तगड़ा ऑफ रोड मिलेगा और वहाँ पर काफ़ी हाइट में है पहाड़ है और उसके ऊपर हम लोग को जाना पड़ेगा ऐसी साइकिल, क्या पता ऊपर चढ़ पाती भी है कि नहीं, क्योंकि हम लोग की साइकिल में गियर नहीं है और रोहन की साइकिल में भी गियर नहीं है। तो गाइस बहुत ही जल्द आने वाला है और आपको काफ़ी अच्छे से नज़ारे देखने मिलने वाले हैं। तो फाइनली गाइस फाइनली हम लोग का जो डेस्टिनेशन है आज का और ठीक ऊपर पहाड़ी दिख रही है जो, वो वहाँ पर चढ़ना है और काफ़ी टफ है। तो देखते हैं वहाँ चढ़ पाते हैं कि नहीं। तो ये है हमारा डेस्टिनेशन और वो जो खड़ी चढ़ाई है वहाँ पे हम लोग को चढ़ना है और भाई देखने में लग रहा होगा, टीवी में देखने में लग रहा होगा, मोबाइल में देखने में लग रहा होगा कि यार आसान है, बट वहाँ पर जाने में ना हालत ख़राब हो जाती है और पसीने छूट जाते हैं। तो रेडी एंड गो, लेट्स गो ब्रो। ओ भाई चढ़ाई चालू हो चुकी है, लेट्स गो रोहन, लेट्स गो। हो भाई हो, ओ दद्दा, अरे बहु, अरे बब्बा रे चढ़ा दे, अरे नहीं चढ़ पाई, हाँ नहीं चढ़ पाई। अगर मैं थ्रोटल का यूज करता तो थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ जाता, फिलहाल नहीं चढ़ पाई है और गियर वाली होती तो चढ़ जाती। ओ भाई हालत ख़राब हो गई यहाँ तक आने में, रोहन थक गए। ओ भाई साहब क्या गजब की थकाई हुई है। तो गाइस फाइनली इस एरिया में हम लोग पहुँच चुके हैं। हो भाई गजब की थकावट है यार, गजब की।
तो गैस अभी आप लोगों को तगड़ी ऑफ रोडिंग करने वाला हूँ, कर दिखाने वाला हूँ। तो भाई ये देखो नीचे जस्ट है कैनाल, ये देखो भाई नीचे है कैनाल और अपन यहाँ से जाएंगे। ओ भाई ओ ओ ओ ओ ये ब्रो ऊपर से नीचे आ गए, एक बार और चलते हैं यहाँ से, मजा आ गया। आजा आजा आजा, ये दिखा दिखा दिखा, ये भाई ये करके दिखा, ये ऑफ रोडिंग, यहाँ पर तो मज़ा आता है यार, यहीं पर तो मज़ा है। ये देखो भाई यहाँ पर पूरा का पूरा पत्थर ही पत्थर है। एंड ये एक बार और, वंस मोर, एक बार और आपको दिखाता हूँ करके। तो ये भाई दोबारा ये भाई क्या ही मज़ा है, ऑफ रोडिंग के भी मज़े हैं यार। ओ तो भाई साहब फाइनली यहाँ तक पहुँच गए हैं। एंड भाई यहाँ तक आने में ना काफ़ी कठिनाई हुई, काफ़ी ऑफ रोड था जैसे कि आपने देखा भाई, अल्टीमेट मज़ा आ गया, ऑफ रोडिंग तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग हो गई गाइस। और यहाँ का जो वातावरण है, तो आपको मैं यहाँ का जो नेचर है, यहाँ की जो किनाल है, आपको मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस आपका शुक्रिया यहाँ तक बने रहने का, तो धन्यवाद। तो गाइस यदि आपको ये वीडियो, आपको ये फुटेज और आपको ये सिनेमेटिक शॉट्स यहाँ के अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो। ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो, और जो अपने जो साइकिल है, साइकिल का बड़ा ग्रुप बनने वाला है, तो गाइस जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में कुछ नहीं बनता। यदि आपको इस वीडियो में जो भी आपको अच्छा लगा हो और क्या देखना चाहते हो इस वीडियो के जरिए, मेरे चैनल के जरिए, तो आप लिख के ज़रूर बताएँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के देखें। तो भाई यहाँ तक आ गए, मज़ा आ गया, और यहाँ की वादियाँ काफ़ी थी, और रोहन शूट कर रहा है, रोहन का भी थैंक्स बोलता हूँ जो मेरे साथ आया, इसने इतनी ज़्यादा मेहनत करी यार, यहाँ तक आना मामूली बात नहीं होती है। और यही बोल के मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ, और बने रहे मेरी वीडियो पर, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये वहाँ मैं अभी आकर अपना ब्लॉग ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वाला ब्लॉग काफ़ी लंबा बन गया हो, और मेरे जो ब्लॉग होते हैं काफ़ी लंबे बनते हैं। प्लीज़ इसमें कभी कभी बीच में अच्छी खासी बातें करता हूँ, अच्छी खासी कुछ मोटिवेशनल टाइप में बातें बोलता हूँ, तो प्लीज़ जाकर पूरा देखें। और इस वीडियो पर जुड़े रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। जी।